अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन पाकिस्तान अफेयर्स लेक्चर सीरीज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाकिस्तान एंड चेंजिंग रीजनल अप्रेंटिसेस। ठीक है, पाकिस्तान और इसका जो डिफरेंट चेंजिंग रीजनल अप्रेंटिस हैं उन्हें हमें आज डिस्कस करना है। अब जो फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट आर द रीजनल अप्रेंटिस। रीजनल अप्रेंटिस एक्चुअली में आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को रेफर कर सकते हैं या ऐसे इंस्टीट्यूशंस या मैकेनिज्म्स जो कि इसलिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं या उनकी एस्टेब्लिशमेंट का जो मकसद होता है वो क्या होता है कि वो गवर्न कर सकें या मैनेज कर सकें, डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सकें किसी भी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन के अंदर, ताकि जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल रिवाइवल्स आ रही हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं स्पेसिफिक रीजन के अंदर उन्हें खत्म किया जा सके। ठीक है जी, तो अब ये रीजनल अपरेटिस जो है वो टाइम टू टाइम एक्चुअली चेंज होती है, तो पाकिस्तान का इन चेंजिंग इन रीजनल अपरेटिस के साथ क्या ताल्लुक है और वो किस तरीके से पाकिस्तान का इसमें रोल इवॉल्व हो रहा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। इफ यू स्टार्ट, पाकिस्तान जो पॉलिटिकल लोकेशन नेस्टेड बिटवीन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया एंड द मिडल ईस्ट। पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो पॉलिटिकल लोकेशन है, वो ये कहाँ पे राइज कर रही है, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के दरमियान में। ठीक है जी, साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया है एंड मिडल ईस्ट। पोजिशन एट द क्रॉस रोड ऑफ सिग्निफिकेंट रीजनल डेवलपमेंट। अब इन सबके साथ इंटरलिंक हो रहा है पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली रीजनल डेवलपमेंट भी हो रही है। द इवॉल्विंग रीजनल अपरेटस मार्क बाय शिफ्टिंग अलायंसेस, इमर्जिंग इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड जो पॉलिटिकल राइवलरीज डिमांड्स दैट पाकिस्तान एक्टिवली एंगेज विद दीज चेंजेस। अब जो डिफरेंट राइवलरीज अराइज हो रही हैं, जो अलायंस की शिफ्टिंग हो रही है, इकोनॉमिक कॉरिडोर इमर्ज हो रहा है, डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन, तो इसके लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दैट इट मस्ट बी एक्टिवली एंगेज विद दीज चेंजेस। ओके, इंट्रोडक्शन की तरफ हम आते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस। जियो पोलिटिकली पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्योग्राफिक क्रॉस रोड्स। पाकिस्तान सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया, द मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड द अरेबियन सी। ठीक है जी, अब अरेबियन सी पाकिस्तान के पास मौजूद है, एक पाकिस्तान का कनेक्शन मौजूद है, तो ऑब्वियसली इट इज एक्चुअली सर्विंग एज ए ब्रिज, एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है साउथ एशिया, मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के लिए। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ अरेबियन सी। एक्सेस टू एनर्जी कॉरिडोर्स, एनर्जी कॉरिडोर्स की तरफ पाकिस्तान की एक्सेस किस तरीके से है, प्रॉक्सिमेटली टू द ऑयल रिच मिडल ईस्ट एंड एनर्जी हंग्री चाइना। पोजीशंस पाकिस्तान एज अ की प्लेयर इन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी। ठीक है जी, अब जो मिडल ईस्ट है ऑयल रिच, वहां पे प्रेजेंट है, जबकि एनर्जी हंग्री चाइना, चाइना एनर्जी रिक्वायर्ड है पाकिस्तान, चाइना को बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है क्योंकि उनके काफी प्रोजेक्ट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक एक्सट्रीम लेवल पर है, तो ऑब्वियसली दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल उनकी प्रोडक्शन के लिए, और इसमें पाकिस्तान का रोल जो है वो एज ए की प्लेयर है इन एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है जी, अब इंडिया एज ए प्राइमरी लेवल, इंडियाज रीजनल एम्बिशंस एंड राइवलरी विद पाकिस्तान शेप द लेटेस्ट फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। पाकिस्तान और इंडिया का जो एक प्राइमरी राइवल है दोनों, इंडिया की रीजनल एम्बिशंस और राइवलरी पाकिस्तान के साथ जो है वो एक फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसीज को जो है वो डेवलप करती है। हिस्टोरिकल रोल इन रीजनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले कोल्ड वॉर एरा, पाकिस्तान अलाइनमेंट विद द यूएस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इट्स रोल इन द अफगान जिहाद अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। अगर रीजनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो कोल्ड वॉर एरा एक काफी लंबे टाइम तक रहा, पाकिस्तान की अलाइनमेंट थी यूएस के साथ, जो एक कोल्ड वॉर चल रही थी और इसका रोल था अफगान जहाज में अगेंस्ट द सोवियत यूनियन में, तो ये तमाम सिचुएशंस जो है ये हिस्टोरिकली अराइज हुई। उसके बाद पोस्ट 9/11 शिफ्ट एंड 9/11 के इंसिडेंट्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स के बाद पाकिस्तान का जो पार्टिसिपेशन थी वॉर ऑन टेरर एंड इट्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान का रिलेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान रोल इन इवॉल्विंग रीजनल डायनेमिक्स को अगर हम देखें, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं वो भी काफी ज्यादा वैल्यू हुए अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी। पाकिस्तान हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन स्टेबल अफगानिस्तान ड्यू टू कंसर्न ओवर क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी, द रेफ्यूजी क्राइसिस एंड रीजनल ट्रेड रूट्स। अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रोल है रीजनल डायनेमिक्स को अगर देखें, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो स्टेबल रिलेशन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी की वजह से
ठीक है, जो रेफ्यूजी क्राइसिस है और इसके साथ साथ जो ट्रेड रूट्स हैं उनके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्टेबल होना जरूरी है, यानी जो रीजनल डायनेमिक है उसके अकॉर्डिंग इसको एवॉल्व होना पड़ेगा। तालिबान रोल रिटर्न टू पावर, तालिबान रिटर्न टू पावर, द 2021 तालिबान टेक ओवर प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इम्पैक्टिंग सिक्योरिटी इकोनॉमिक टाइज एंड रीजनल डिप्लोमेसी। जो 2021 में तालिबान का टेक ओवर था उनकी जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ, और उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरीके से चैलेंज किया वापस पावर में आने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो यूएस का साथ दिया था वॉर ऑन टेरर में अगेंस्ट दिस तालिबान अफगानी तालिबान, तो इस चीज ने काफी ज्यादा जो सिक्योरिटी है उसको इम्पेक्ट किया और इसके साथ साथ इकोनॉमिक टाइज और रीजनल डिप्लोमेसी को भी अफेक्ट किया। अफगानिस्तान अफगान पीस एंड प्रोसेस, पाकिस्तान रोल एज ए मीडिएटर इन पीस टॉक्स फैसिलिटेटिंग द यूएस तालिबान नेगोशिएशंस एंड एडुकेटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स अफगान गवर्नमेंट। ठीक है जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो पीस प्रोसेस था उसमें पाकिस्तान ने एज ए मेडिटेटर जो है वो अपना रोल प्ले किया पीस टॉक्स वगैरह में और फैसिलिटेट किया यूएस को तालिबान नेगोशिएशन में। इसके साथ साथ जो इंकर्सिव अफगान गवर्नमेंट थी उन्हें भी काफी ज्यादा हेल्प आउट किया। चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप की अगर बात करें यहाँ पर, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक एज वी ऑल नो एक जो है वो कॉर्नरस्टोन ऑफ पाकिस्तान रिलेशन के दरमियान इसने काम किया। सीपैक वाइटल पार्ट है चाइना का, एंड चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, ठीक है जी, एमिंग टू एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी बिटवीन द टू नेशन, दोनों नेशन के दरमियान में जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे एनहांस करने के लिए और इनकी कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ये एकदम जो है वो उठाया गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगर देखें तो पाकिस्तान और चाइना जो है वो आपस में क्लोजेस्ट अली है, पाक चीन दोस्ती बहुत मजबूत है, पर्टिकुलरली इन डिफेंस कॉपरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंटिंग इंडियाज रीजनल इन्फ्लुएंस, और इनकी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स है वो इंडिया की रीजनल इन्फ्लुएंस जो है वो इस रीजन के ऊपर जो इंडिया की एक इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन है उसको काफी ज्यादा ये काउंटर करती है इफ द बोथ रिमेन्स एज एन एलाय। ठीक है जी, रीजनल इन्फ्लुएंस वाला सीपैक, रीजनल इन्फ्लुएंस को अगर देखें तो रीजनल इन्फ्लुएंस सीपैक के थ्रू क्या होगा कि पाकिस्तान का इंस्ट्रूमेंटल इन कनेक्टिंग चाइना विद द मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ मेजर प्लेयर इन रीजन ट्रेड एंड एनर्जी रूट्स। जो रूट्स प्रोवाइड किए गए हैं सीपैक में तो उससे ये है कि पाकिस्तान एज अ मेजर प्लेयर जो है वो सामने आ रहा है रीजनल ट्रेड प्रोवाइड करने में और एनर्जी रूट्स प्रोवाइड करने में। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी ट्रेडिशनल राइवलरी है, ठीक है जी, पाकिस्तान रीजनल रोल इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स एडवर्सरियल रिलेशनशिप विद इंडिया पर्टिकुलरली कंसर्निंग द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। मेन राइवलरी एक हिस्टोरिकल राइवलरी तो चली, कि मेन राइवलरी जो हिस्टोरिकली भी चली एंड कंटिन्यू इट्स गोइंग ऑन, तो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बैलेंस की अगर बात करें, बोथ कंट्रीज कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज विच अफेक्ट द रीजनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। ठीक है, दोनों कंट्रीज हैं वो अपने जो उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, जो उनके कीमियाई ताकत है, जो उनके न्यूक्लियर असासे हैं, उनको और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये चीजें जो रीजनल सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसको अफेक्ट कर रही है, और ये चीज जो है वो एक रीजनल अपरेटिस में जो है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो वो कॉज कर रही है। पाकिस्तान रीजनल अलायंसेस, पाकिस्तान काउंटर्स इंडियन इन्फ्लुएंस थ्रू पार्टनरशिप विद चाइना। अब इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो राइवलरी चल रही है उसे वो काउंटर कर रहा है विद इट्स पार्टनरशिप विद इट्स अलाइन विद चाइना सऊदी अरब एंड टर्की। ठीक है जी, इन कंट्रीज के साथ इसका बेटर रिलेशनशिप होने की वजह से पाकिस्तान का ये काउंटर कर रहा है जो इंडियन इन्फ्लुएंस है, इंडियन सिक्योरिटी लेवल से अगर वहां से आ रहा है ये सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रही है तो उन्हें काउंटर कर रहा है पाकिस्तान विद इट्स पार्टनरशिप्स विद चाइना सऊदी अरेबिया एंड टर्की एंड वे पार्टिसिपेटिंग इन मल्टी इलेक्ट्रल फॉर्म्स लाइक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामिक कॉपरेशन है। ठीक है जी, OIC वगैरह डिफरेंट UN SAARC इन कंट्रीज का मेंबर होने के नाते पाकिस्तान जो है वो अपने आप को काफी ज्यादा इंडियन इन्फ्लुएंस से काउंटर कर रहा है। पाकिस्तान एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया पाकिस्तान की एंगेजमेंट कैसी है, फर्स्ट इकोनॉमिक एंड एनर्जी कॉपरेशन, जनरल एशिया रिसोर्स वेल, पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली पोजिशन टू एक्सेस द वास्ट एनर्जी रिजर्व ऑफ सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग ऑयल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है जी, रिसोर्स वेल जो है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली जो पोजिशन है वो किस तरीके से है कि जो एनर्जी रिजर्व है सेंट्रल एशिया के जैसे कि ऑयल गैस और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के, तो पाकिस्तान की काफी ज्यादा उनकी तरफ एक्सेस है और स्ट्रेटेजिक पोजिशन जो है उस तरफ मजबूत है। कासा 1000 प्रोजेक्ट CSA
1000 प्रोजेक्ट, इसको अगर देखें तो मेजर रीजनल इनिशिएटिव है जिसमें पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया की तरफ, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तापी पाइपलाइन है, इसमें जो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया, ये चार कंट्रीज जो है इनका पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जो कि एनर्जी कॉरिडोर के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है जी, दैट कुड सिग्निफिकेंटली एनहांस पाकिस्तान एनर्जी सिक्योरिटी, पाकिस्तान की जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसको काफी तौर पर ये सिग्निफिकेंटली एनहांस कर देगा। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अगर हम देखें, कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, पाकिस्तान एम्स टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए ट्रांसिट हब फॉर ट्रेड बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। पाकिस्तान का जो एम है वो एक्चुअली में क्या है कि उसने एस्टेब्लिशमेंट देनी है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के मिड में, टू इनिशिएटिव सच एज क्वाड्रिलेटरल ट्रैफिक एंड ट्रांसिट एग्रीमेंट, QTTA के जिस तरीके से ये वाला एग्रीमेंट है, इसके थ्रू ये जो क्वाड्रिलेटरल ट्रैफिक इन ट्रांसिट एग्रीमेंट QTTT है, इसका एक्चुअली में जो इस एग्रीमेंट का मकसद है, ये रीजनल एग्रीमेंट है जिसका एक्चुअली में जो एम है वो क्या था कि जो डिफरेंट गुड्स हैं, जो तजारती मरकज हैं, ट्रेड को इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल हुई। इसके साथ साथ जो इन कंट्रीज के दरमियान, ममालिक के दरमियान में आपस में लोगों की जो ट्रैफिकिंग है, आपस में इन कंट्रीज का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स अक्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है जी, ये चार सेंट्रल एशियन कंट्रीज के दरमियान में जैसे कि ऊपर डिस्कस किए, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और इसके साथ साथ पाकिस्तान, इनके दरमियान में ये एग्रीमेंट तय हुआ था। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव असल में ये थे कि जो सिंप्लीफाइज किया जाए जो ट्रैफिक प्रोसीजर्स हैं या जो बैरियर्स हैं, रीजनल ट्रेड वगैरह, इकोनॉमिक कॉपरेशन और कनेक्टिविटीज वगैरह को जो है वो इसमें इंक्रीज कर दिया जाए, उसको एनहेंस कर दिया जाए। तो इस तरीके से जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, उससे क्या है कि आपस में कंट्रीज के दरमियान में एक कनेक्टिविटी कायम होगी और एक जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप होगा। रशिया ग्रोइंग इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो रशिया रिसर्जेंस इन सेंट्रल एशिया एंड इट्स पावर टुवर्ड्स पाकिस्तान इन डिफेंस एंड एनर्जी कॉपरेशन अलायंस विद इस्लामाबाद स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है जी, जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनके साथ अलायंस इसकी जो है वो इंक्रीज हुई। पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट रिलेशन विद सऊदी अरेबिया एंड गल्फ स्टेट्स के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप, इकोनॉमिक डिपेंडेंस सबसे पहले आती है। पाकिस्तान हैज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज विद गल्फ कॉपरेशन काउंसिल्स। ठीक है जी, जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल्स हैं, GCC स्टेट्स हो गई जैसे कि सऊदी अरेबिया और UAE के साथ, इन द लेबर एक्सपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल एड्स, काफी ज्यादा रोजगार के मौके, एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड की गई, लेबर एक्सपोर्ट, फाइनेंशियल एड, तो ये चीजें जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस आपस में पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट के साथ इसको एनहांस हुआ। डिफेंस कॉपरेशन की अगर बात करें, पाकिस्तान प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मिलिट्री कॉपरेशन, जो मिलिट्री कॉपरेशन है उनके साथ काफी सिग्निफिकेंट रोल है विद गल्फ स्टेट्स, पर्टिकुलरली इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ट्रेनिंग सपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव नेविगेटिंग रीजनल टेंशंस, जो रीजनल टेंशंस है उनको किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान केयरफुली बैलेंसेज इट्स रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, अवॉइडिंग एंटैंगलमेंट इन सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली में ये दोनों कंट्रीज इस तरीके से है कि इनके दरमियान में जो सेक्टेरियन है, जो इनके फिरकों की वजह से जो आपस में एक इंटेगलमेंट है, जो एक तनाजे है, उनसे केयरफुली पाकिस्तान को बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। तो ये चीज जो है वो रीजनल टेंशन को नेविगेट करके, कॉन्फ्लिक्ट को नेविगेट करके पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। ईरान पाकिस्तान रिलेशनशिप की अगर बात करें, पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप मस्ट हैव टू लर्न टॉपिक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन में हमारे पास, डिस्पाइट पीरियड्स ऑफ स्ट्रेन, पाकिस्तान एंड ईरान शेयर इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट इन काउंटर टेररिज्म। ठीक है जी, एक स्ट्रेन का काफी पीरियड दोनों कंट्रीज के दरमियान है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं काउंटर टेररिज्म में, बॉर्डर सिक्योरिटी में, इसके साथ साथ जो रीजनल स्टेबिलिटी है अफगानिस्तान को लेते हुए, इसके अंदर दोनों अपना रोल जो है वो बेहतर तरीके से अदा कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, अब गैस पाइपलाइन पे क्या सिचुएशन है कि जो डिले हुए हैं बिकॉज ऑफ जो US सैंक्शंस बीच में आई, इट रिमेन्स अ क्रिटिकल प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान एनर्जी नीड्स। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ये एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। बैलेंसिंग सऊदी ईरान राइवलरी, सऊदी और ईरान की राइवलरी, पाकिस्तान को न्यूट्रल होकर इसमें काम करना पड़ रहा है। एज पाकिस्तान न्यूट्रलिटी इन द सऊदी ईरान राइवलरी इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस रिलेशंस विद बोथ पार्ट्स व्हिच आर वाइटल टू इट्स रीजनल स्ट्रेटेजी। एक रीजनल स्ट्रेटेजी इस खत्ते में सर्वाइव करने के लिए इन दोनों कंट्रीज के साथ एक न्यूट्रल रिलेशनशिप और बैलेंस रिलेशनशिप मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पाकिस्तान उसको बैलेंस रखते हुए चल रहा है। पाकिस्तान रोल इन रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स,
सिक्योरिटी डायनेमिक्स हमने पीछे स्टडी भी किए, तो पाकिस्तान का जो रोल है रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स में, उसमें फर्स्ट काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल स्टेबिलिटी। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स क्या करती है, पाकिस्तान हैज प्लेड अ सेंट्रल रोल इन रीजनल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स पर्टिकुलरली 9/11 अटैक्स के बाद, लीडिंग ऑपरेशन अगेंस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स विद इन इट्स बॉर्डर्स। रीजनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को अगर देखें तो पाकिस्तान इंगेज इन मल्टीलेटरल सिक्योरिटी फॉर्म्स, डिफरेंट जो मल्टीलेटरल सिक्योरिटी फॉर्म्स मीन्स काफी सारे फॉर्म्स के साथ पाकिस्तान जो एसोसिएट कर रहा है, एंगेज किया हुआ है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स। इसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO जो कि इंक्लूड कर रही है किस किस को, चाइना, रशिया एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स को। ठीक है, जो चाइना, रशिया एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स को टू एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए और इन्हें कोप करने के लिए, रोल इन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस एज ए की प्लेयर इन द वन पीस फॉर पाकिस्तान में फैसिलिटेटेड नेगोशिएशंस एंड सॉट टू कट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है जी, इसमें पाकिस्तान ने जो है वो एज ए की प्लेयर रोल अपना प्ले किया पीस प्रोसेस में, और पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया जो नेगोशिएशन थे डिफरेंट के किस तरीके से मुहदे किए जाए, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको कमी में उसमें कमी किस तरीके से लाई जाए। न्यूक्लियर डिफेंस एंड रीजनल आर्म्स फोर्सेस की अगर बात करें तो न्यूक्लियर एर्सनल है, ठीक है जी, जो न्यूक्लियर असासे हैं, जो न्यूक्लियर मेंटेनेंस है वगैरह, जहाँ पे इन्होंने अपने इंक्रीज कर रहे हैं अपने कीमियाई असला वगैरह। ठीक है जी, पाकिस्तान मेंटेन्स अ न्यूक्लियर डिटरेंट अगेंस्ट इंडिया विच इज इंटीग्रल टू इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ठीक है जी, जो न्यूक्लियर एर्सनल है उसकी डेवलपमेंट, उसकी मेंटेनेंस, ये तमाम चीजें, उसका एक न्यूक्लियर डिटरेंट इंडिया के अगेंस्ट अपना पाकिस्तान ने प्रिपेयर रखा हुआ है मेंटेन रखने के लिए फॉर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। मिसाइल डेवलपमेंट को अगर देखें, पाकिस्तान कंटिन्यूज डेवलप इट्स मिसाइल्स कैपेबिलिटीज इंश्योरिंग रीजनल डेटरेंस वाइल एलोकेटिंग फॉर रीजनल आर्म्स कंट्रोल मेजर्स। कंटिन्यूअली अपने मिसाइल डेवलपमेंट वगैरह को इंक्रीज कर रहा है, उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, उनकी जो हदफ है वो कितने टारगेट्स वगैरह उनको इंक्रीज कर रहा है ताकि जो रीजनल सिक्योरिटी है वो कायम रह सके। पार्टिसिपेशन इन रीजनल सिक्योरिटी, तो रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स में पाकिस्तान का जो पार्टिसिपेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन है, रीजनल कॉपरेशन है सार्क है, एंड इट्स मिलिट्री कॉपरेशन विद रीजनल पावर्स लाइक टर्की एंड चाइना इन टू मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान के रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के साथ जैसे कि सार्क के साथ है और इसके साथ साथ मिलिट्री कॉपरेशन डिफरेंट जो रीजनल पावर्स हैं टर्की है, चाइना है, इनके साथ एक मेंटेन कर रहा है रीजनल स्टेबिलिटी को। ठीक है जी, तो मीन्स इन दिस टॉपिक अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो एक्चुअली में एक उसकी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके डिफरेंट जो रिलेशनशिप है बाकी कंट्रीज के साथ, बाकी नेशंस के साथ, वो अच्छे तरीके से कायम रहे। ठीक है जी, और जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स जिस तरीके से चेंज हो रही है उनको वो अच्छे तरीके से कोप कर सके, और डिफरेंट कंट्रीज के साथ इसका जो रिलेशनशिप्स है वो आपने अच्छे से स्टडी करना है, इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, कौन से जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, कौन से नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, किस तरीके से रीजनल डिटरेंस जो है वो अवॉइड हो सकती है या इंश्योर हो सकती है, कैपेबिलिटी किस तरीके से पाकिस्तान अपनी बढ़ाए डिफरेंट कंट्रीज के साथ, डिफरेंट रिलेशनशिप्स के साथ, तो इन टॉपिक्स को आपने यहाँ पे ब्रीफली स्टडी करना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जी नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच।